तो उन यहूदी लोगों ने क्या कहना शुरू किया कि जब तक तुम खतना नहीं करवाओगे तुम अब्राहम के वादों में शामिल नहीं हो सकते, तुम नामकम्मल हो। लेकिन कलाम में हमें इसका जवाब मिलता है और वो ये है कि हम खतने के वसीला से अब्राहम के वादों में शामिल नहीं होते, हम यीशु के वसीला से अब्राहम के वादों में शामिल होते हैं। इसलिए हमें अब्राहम के वादों में शामिल होने के लिए खतने की जरूरत है ना, उन लोगों को थी ना आज हमें है। खतना सिर्फ और सिर्फ एक जाहरी निशान था यहूदियत के लिए और हमें इससे कोई एतराज नहीं है क्योंकि यह खुदा ने उन्हें निशान दिया था। लेकिन अब यहां जब से मसीह यीशु का कुफारा हुआ है हमें इन चीजों की जरूरत इसलिए नहीं रही क्योंकि मसीह के कामिल और मुकम्मल कुफारा ने हमें अब्राहम के वादों में शामिल कर दिया है।